हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये मैं एक कार्डिगन बना रही हूँ फ्रेंड्स। इसका फर्स्ट फ्रंट पार्ट बन गया है, ये देखिए। ये है फ्रेंड्स इसकी डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये, और बहुत जल्दी भी बनता है, बहुत इजी भी है और बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन है फ्रेंड्स। ये बनाना आप, ये 7 फंदों का है। ये साइड में मैंने दो दो उल्टे फंदे लिए हैं, तो इसको मैं बताना बता रही हूँ अभी कैसे बनाना है। इसको बनाते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने साथ एक फूल का मैंने फंदा लिया है, ये एक फूल समझाऊँगी मैं आपको। तो दो उल्टे और 7 सीधे, ऐसा मैंने बना लिया है। अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक उल्टा बना लोगे, फिर एक उल्टा बना लोगे, फिर आपको ऐसा ऐसा लेना है घुमा के, और यहाँ एक उल्टा, दो उल्टा, फिर 3 का 1, फिर एक उल्टा, फिर एक उल्टा, फिर ऐसे जाएगा, और यहाँ पे सॉरी इसको भी ऐसे लाएगा उल्टा, और यहाँ पे 2 उल्टे। ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब दूसरे लाइन में जहाँ जो बनाए वो बनाएंगे। 2 सीधा और बाकी 7 उल्टे। और फिर हम सीधी लाइन में आ गए हैं। फिर 2 एक उल्टा पहले, फिर 1 उल्टा, फिर अब आपको ये वाला सीधा बुनना है जो हमने जाली डाली थी, और फिर आपको इस तरह से लेना है 1 उल्टा। इस बार एक ही उल्टा बनेगा क्योंकि बीच में 3 फंदे हमें घटाने हैं। पहली बार 2 उल्टा, अब की बार 1 उल्टा। ये हमने 3 का 1 कर दिया है, फिर 1 उल्टा, फिर इसके बाद धागा इस तरह से जाएगा, और एक जाली बनने के बाद 1 सीधा, फिर 2 उल्टे। उल्टे में जहाँ जो है वहाँ वो बनाएंगे। 2 सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और लास्ट में फिर 2 सीधा। अब फिर हम सीधी सिलाई में आ जाएंगे। एक उल्टा, फिर दूसरा उल्टा, फिर अब सीधा आया सीधा, फिर 1 सीधा, फिर आपको 3 का 1 करना है। एक जाली डाली आपने, अब 3 का 1। अब फिर आपको यहाँ एक जाली डालनी है, अब 1 सीधा, दूसरा सीधा, फिर 2 उल्टा। अब यहाँ हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। ये 3 जाली पड़ जाएगी, तो आप समझ लेना ये आपका ये वाला काम ख़त्म हुआ। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद इस फूल का ये जो लेंथ है बीच वाला,
ये आपको जितना रखना है आप बड़ा भी कर सकते हो इसको, छोटा भी कर सकते हो। तो इसमें हम अभी ये इतने फंदे बुन लेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जाली पड़ी थी, एक एक दो तीन चार, चार लाइन बुन लेंगे फ्रेंड्स, चार लाइन बुन लेते हैं अभी। अभी पूरे जहाँ जो है वहाँ वो बनाते जाना है, दो सीधा और सात फंदे उल्टे, दो सीधा, फिर इस तरफ दो उल्टा और सात फंदे सीधे और फिर दो उल्टा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने लगी है। अब ये हमारी दो सिलाई हो गई, अब ये तीसरी सिलाई चल रही है। अब ये चौथी सिलाई, छठवें सिलाई में फिर हमें डिजाइन शुरू करना है। ये चौथी सिलाई चल रही है फ्रेंड्स हमारी। इसके बाद उल्टी वाली सिलाई होने के बाद जब सीधे में हम आएंगे तब हम फिर से डिजाइन शुरू करेंगे। हमारी लास्ट सिलाई है पांचवी, इसके बाद छठवें में हमें फिर डिजाइन बनाना है। फिर से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इस जगह से यहाँ से यहाँ पहुँच गए अभी हम। अब फिर शुरू करना है हमको, एक उल्टा दूसरा उल्टा, फिर धागे को इस तरह से घुमा लोगे, एक सीधा दो सीधा फिर तीन का एक, फिर दो उल्टा, फिर धागा ऐसे लेके यहाँ पे लास्ट में दो उल्टा। ये तीनों जाली बता देती हूँ फ्रेंड्स, फिर तो वही होगा जो अभी हमने पांच लाइन बुने थे। तीन जाली बस बता देती हूँ आपको मैं। सात का हिसाब आप सही रखना तभी आपकी डिज़ाइन सही चलेगी, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए जाली डालने में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया फ्रेंड्स, अब सेकेंड लाइन में आ गए हम, और फिर एक उल्टा, दूसरा उल्टा, फिर धागा पीछे सीधा, जो जाली डाली थी उसको सीधा, फिर धागा सामने, एक उल्टा, तीन का एक, फिर एक उल्टा, फिर धागा जाली डालना है यहाँ पे, और फिर एक सीधा दो उल्टा।
फिर उल्टी सिलाई में चलेंगे, जहाँ जो है वहाँ वही बनाएंगे, दो सीधा सात उल्टा। अब ये हमारी लास्ट लाइन है डिजाइन की। एक उल्टा, दूसरा उल्टा, एक सीधा, दूसरा सीधा, फिर जाली, धागा घुमा के आगे और तीन का एक। फिर धागा घुमा के पीछे, एक जाली डल गई, एक सीधा, दूसरा सीधा, अब दो उल्टा। ये हमारी जाली की लाइन कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। तीन जाली हमारे बन गए। अब हमें फिर बनाना है पांच लाइन। पांच लाइन के बाद फिर ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा फ्लावर तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए सेम वही फ्लावर हमारा बन गया है। इस तरह बनता जाएगा फ्रेंड्स। आपको ये फ्लावर आप बड़ा भी कर सकते हो और लंबा आपको करना है आप लंबा कर सकते हो। बीच के आपको जो पांच ली थी हमने आप उसको और बढ़ा देना। तो ये तैयार हो गया फ्रेंड्स हमारा। ये देखिए तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। आप बनाने की कोशिश करना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।